किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। दूसरी कली में बताया कि भगत सिंह ने यह कह दिया था, दो मिनट दे दो, थोड़ी सी वार्ता कर लो। ये कह दिया था भगत सिंह ने कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ का अचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। के लिखा बोला Hey!
बहुत से बेटे पोते थे यो रे कुटब कबीला सारा था कुटब कबीला सारा था। घर पढ़े लिखे तालीम जानते घर में खूब गुजारा था। भगत सिंह ने जब जन्म लिया उसका बाप जेल में जा रहा था बाप जेल में जा रहा था। सिंगनी ने यो शेर जन्या रे सिंगनी ने यो शेर जन्या रे शेर सिंगनी ने यो शेर जन्या उसा सिंग का जाम सुन्या होकर 200 रुपए का पुरस्कार दिया आशीर्वाद के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी नाम नहीं जानती मैं आशीर्वाद के रूप में पुरस्कार दिया बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताया कि किसी सर ने ये लिख दिया कि जने कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी। अरे लोग कहते हैं कि चरखा चलाने से आजादी आई लेकिन अकेले चरखे ने कुछ नहीं किया। इस देश में आजादी लाने के लिए कितनी लोगों ने सीने पे गोली खाई। किसी औरत का सुहाग नहीं रहा किसी माँ का बेटा नहीं रहा किसी बहन का भाई नहीं रहा। जब जाके आजादी आई चरखा चलाने से आजादी नहीं आई। जवाब दिया और लिखा कवि ने कि हिंसा अगर पढ़ ले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। हिंसा अगर पढ़ ले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन गर कायर नहीं बनता गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने गांधी मर जाते आजादी का सैगान नहीं होता। आजादी का सैगान नहीं होता। के लिखा बना सुना दी गई तो किसी अंग्रेज ने ये कहा था कि अरे भगत सिंह अगर तू अब भी हमसे माफी मांग लेगा तो हम तुझे माफ कर देंगे फिर हम तुझे फांसी नहीं लगाएंगे। तो हंसते हंसते कहा भगत सिंह ने माफी और वो भी मैं तुमसे मांगू। अरे माफी तो दो प्रकार के लोग मांगते हैं
एक तो माफी वो मांगता है जो किसी का गुनेगार होता है और दूसरा माफी वो मांगता है जो गद्दार होता है। अरे ना तो मैं अंग्रेजों का गुनेगार हूँ और ना ही भारत माता का गद्दार, इसलिए मर तो सकता हूँ माफी नहीं मांग सकता। हंसने लगा वो अंग्रेज और पूछने लगा, क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? तो न्यू कहा भगत सिंह ने कि मुझे मरने से डर नहीं लगता। कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। अरे तू सोचता होगा ये भगत सिंह तेरे सामने हाथ जोड़ेगा, तेरे पैर पकड़ेगा, लेकिन सर कटाना तो मंजूर है, तुम गद्दारों के सामने झुकना मंजूर नहीं। क्योंकि कहा किस जज्बते शहादत का क्या करे दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है। किस जज्बते शहादत का क्या करे दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है। और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। क्या लिखा दादा ने, तमाम सुना होगा।